नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आपने भी अक्सर ठेले वालों से सब्जियां ली होंगी, चौक चौराहे पर खड़े होकर फुल्की और चाट का मजा लिया होगा। कभी अगर घर में खाना बनाने का मूड ना हो तो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर फास्ट फूड भी जरूर खाया होगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो हर एक सीन आपके लिए आई ओपनर साबित होगा। हम ये कतई नहीं कहते कि सभी ठेले और रेहड़ी वाले या रेस्टोरेंट में काम करने वाले वर्कर एक जैसे होते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए जो फूड हम खा रहे हैं उसकी मेकिंग प्रोसेस के बारे में। जो सब्जियां खरीद रहे हैं वो कहां से और किस तरह हम तक पहुंच रही हैं। वीडियो को बीच में छोड़ने या स्किप करके देखने की कोशिश में आप कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप कम से कम 1000 लाइक तक जरूर पहुंचा देंगे। तो आइए चलते हैं बाजार की गलियों में। गन्ने का जूस बेचने वाला ये आदमी न केवल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है बल्कि दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। इसे इतनी भी परवाह नहीं कि यदि किसी ने इसे ऐसी हरकत करते हुए देख लिया तो न केवल इसका धंधा बंद हो सकता है बल्कि अनजाने में जो व्यक्ति इसका जूस पीकर जाएगा वो कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। ये गटर का पानी इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर गन्ने का जूस बेचने वाले गन्नों पर पानी छिड़कते हैं ताकि वो सूखने ना पाए, लेकिन वो पानी अगर गटर का हुआ तो आप समझ सकते हैं कि उससे बने जूस की क्वालिटी क्या होगी और वो कितना हाइजीनिक होगा। जिस ढंग से ये व्यक्ति गटर के पानी को इस्तेमाल कर रहा है ऐसा लगता है कि ये इसकी आदत बन चुकी है। ये हमेशा इसी तरह से गन्ने का जूस बेचता है। न जाने कितने लोगों को इसने बीमार किया होगा। आप इसे इसकी लापरवाही कहेंगे या सनक, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नन्हे मुन्ने बच्चों को आइसक्रीम खाना बड़ा ही पसंद होता है। आइस कैंडी को अक्सर बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में देखें जिस ढंग से आइस कैंडी बनाई जा रही है, इसे देखने के बाद आप दोबारा अपने बच्चों को आइस कैंडी देना तो दूर उसके ख्याल से भी दूर कर देंगे। आइस कैंडी बनाने के लिए जिस बकेट का इस्तेमाल ये आदमी कर रहा है वो एक आम बाल्टी है। आमतौर पर जिस बाल्टी में हम कपड़े धोते हैं उसी बकेट में इसने घोल तैयार किया है। उस घोल को अपने हाथों से मिला रहा है। अरे ओ भाई, तुम अपने हाथ का जादू इस आइस कैंडी में क्यों मिला रहे हो? इस आइसक्रीम को हम बड़े चाव से खाते हैं। जिन सांचों में आइसक्रीम को रखकर फ्रीज किया जा रहा है उनकी भी हालत देखिए। जिस मग से आइस कैंडी के मिक्सचर को सांचों में भरा जा रहा है उसे भी देखिए। अब आप ही बताइए, ऐसी आइस कैंडी आप खाना या अपने बच्चों को खिलाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ऐसा करने वाले गरीब लोग होते हैं, उनकी अपनी मजबूरी होती है, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते, तो फिर आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ रेस्टोरेंट के मालिक ने इस वर्कर को सारी सुविधाएं दे रखी हैं। इसने हाथों में दस्ताने भी पहन रखे हैं, सिर पर कैप भी लगाया हुआ है। इसे ये हिदायत भी दी गई होगी कि खाना पूरी साफ सफाई से तैयार किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बर्गर तैयार हो रहा है ऐसा लग रहा है कि किसी से दुश्मनी निकाल रहा है। जिस जगह पर यह बर्गर तैयार हो रहा है उसे देखिए। इस लड़की ने हैंड ग्लव्स भी पहन रखे हैं और बड़ी साफ सुथरी जगह है, लेकिन ये लड़की जानबूझकर पाव को फर्श से रगड़कर फिर उस पर वेजिटेबल स्लाइड्स रखकर बर्गर तैयार कर रही है। अक्सर वर्करों को सुविधाएं देने के मामले में मालिकों पर दोष लगता है, लेकिन यहाँ तो इस महिला को मालिक ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पाव को फर्श से रगड़कर बर्गर तैयार कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब अपने घर से खाना खाकर नहीं चलते हैं तो रास्ते में किसी होटल में खाना खा लेते हैं, या फिर जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो सड़क के किनारे ठेला लगाकर बिकने वाले खाने से अपना पेट भर लेते हैं। चौराहे के इन खाने के ठेलों पर रखा भोजन न जाने कितने लोग खाते होंगे, अपनी भूख मिटाते होंगे। अक्सर रिक्शा चलाने वाले, मजदूर या छोटा मोटा काम करने वाले लोग इन ठेलों पर खाना खाते हैं और खाना खाकर फिर बीमार पड़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं इस ठेले के पीछे। जरा इस आदमी को देखिए, किस तरह गटर के पानी से उन प्लेट्स को धो रहा है जिसमें अपने ग्राहकों को पका हुआ भोजन सर्व करता है। इसे इतना भी लिहाज नहीं कि भरे बाजार दिन के उजाले में गटर के पानी से प्लेट्स धो रहा है। इसका मतलब है कि ये हैबिचुअल है और हमेशा इसी तरह से प्लेट्स धोते हैं।
इसी गटर के पानी में धुली हुई प्लेट्स में अपने कस्टमर को फूड आइटम सर्व करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जो भी इनके फूड्स को खाता होगा उसकी क्या हालत होती होगी। इस खाना बनाने और बेचने वाले के साथ साथ यहाँ खाना खाने वाले ने भी फूड पॉइजन जैसा शब्द शायद ही सुना हो, लेकिन केवल अपनी लापरवाही के चलते लोगों को फूड पॉइजन बेच रहा है। आप ही देख लीजिए, सब्जी बेचने वाले इन भाई साहब को देखिए जरा, किस तरह गटर के पानी में डुबो डुबो कर सब्जी को धो रहे हैं। आप जानते हैं कि सीवर का पानी कितना गंदा होता है, हम उसे छूना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते, उसकी बदबू से ही अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं। लेकिन ये भाई साहब उसी पानी से सब्जी को धो रहे हैं जिस सब्जी को ये ठेले पर रखकर घर घर जाकर बेचते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के भीतर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। इस फैक्ट्री में पाव बनाया जाता है जिसे लोग बड़े ही चाव से सुबह सुबह नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा पाव भाजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज इस तरह से बनते पाव की मेकिंग प्रोसेस को भी देख लीजिए। फैक्ट्री में काम करते इस शख्स को देखिए, पाव बनाने के लिए अपने पैरों से आटा गूंथ रहा है। जिस जगह ये आटा गूंथ रहा है वो भी कितनी साफ सुथरी है कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस आटे से बने हुए पाव को खाने के बाद खाने वाले की क्या हालत होगी, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिठाई खाना किसे पसंद नहीं होता। मिठाई दूध से तैयार हुए खोए से बनाई जाती है। उसके लिए खोए में और भी ढेर सारे फूड आइटम्स को मिलाकर मिक्स किया जाता है, लेकिन इस तरह से बनी हुई मिठाई खाना कौन पसंद करेगा। जिस जगह ये मिठाई बन रही है जरा उसको गौर से देखिए। मीठे में नमकीन का टेस्ट डालते वर्करों को देखिए, मिठाई बनाने के लिए खोआ तैयार कर रहे हैं और उस खोवे में अपने बदन का टपकता हुआ पसीना भी मिला रहे हैं। फिर देखिए इस लड़के को जो पूरे के पूरे खोए को अपने पैरों से मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के का पसीना भी उसी मिठाई में जा रहा होगा, मिठाई का टेस्ट थोड़ा सा नमकीन भी हो रहा होगा। इस तरह की नमकीन मिठाई खाकर इस दुकानदार के कस्टमर्स का क्या हाल होगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा भोजन अक्सर छूट जाता है, लेकिन हम फल खाते हैं। डॉक्टर भी हमें फल खाने की सलाह देते हैं। बाजार में जो फल बिकते हैं हम उन्हीं फल को खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन बाजार में बिकने वाले फलों की असलियत इस वीडियो में देखिए। लीची के गुच्छों को लाल कलर के स्प्रे में पेंट करता ये आदमी इस बात का ख्याल भी नहीं कर रहा है कि जो व्यक्ति इसे खाएगा उसके पेट का क्या हाल होगा। हम लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। लीची के कुछ ऊपर ये व्यक्ति जिस पेंट का इस्तेमाल कर रहा है उसका इस्तेमाल अक्सर चीजों को कलर करने के लिए किया जाता है। उस पेंट में खतरनाक केमिकल होते हैं। लीची के ऊपर किया गया ये स्प्रे और इसमें मिले खतरनाक केमिकल अगर हमारे पेट में चले जाए तो फिर हमें धरती का दूसरा भगवान यानी डॉक्टर ही बचा सकता है। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, नॉनवेज खाने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगली बार के लिए सावधान हो जाइए क्योंकि आने वाला वीडियो आपको जबरदस्त शौक देने वाला है। अक्सर कचरे के डब्बे में लोग जूठा खाना फेंक देते हैं, बचा कुचा मीट हड्डी के टुकड़े पन्नी में पैक करते हैं और उसे कचरे में फेंक देते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग इन जूठे फूड आइटम्स को उठा लेते हैं, फिर इन फूड आइटम्स में से मीट के बचे हुए टुकड़े हड्डियां वगैरह को छांट कर अलग कर लेते हैं। इनको अलग करने के बाद उन्हें छान लेते हैं, इसके बाद उसे बड़े बड़े होटल में बेच देते हैं। होटल वाले इसी भोजन को रिसाइकल करके अपने ग्राहकों को दे देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह का नॉनवेज भोजन कितना हेल्दी होगा। हमें यकीन है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।